चाहते हो कि हमारे पास खूब धन आए, खूब पैसा आए, हा? कह दो किसको प्रिय नहीं है। पैसे के चक्कर में तो सारे रिश्ते नास्तों को भूल गए हैं, पैसे के चक्कर में तो धर्म को भूल गए हैं, पैसे के चक्कर में तो हमको चैन नहीं है, सुख शांति नहीं है, आनंद नहीं है, न टाइम से खा रहे हो न टाइम से सो रहे हो, केवल एक ही चीज के चक्कर में भाग रहे हो, पैसा। और पैसा ही इतना प्रिय है साहब, ना कोई सदस्य प्रिय है, ना कोई संसार प्रिय है, सबसे प्रिय है तुमको पैसा। जान चली जाए लेकिन पैसा ना जाए, मर जाओगे ना अच्छा खाओगे, ना अच्छा वो करोगे, ना अच्छा पहनोगे, और कुछ लेकर जा नहीं पाओगे, सब यहीं छोड़ जाओगे। यही तो माया है। बोले ईश्वर की माया क्या है? बोले जिसके पीछे भाग रहा है वो ही किसी काम का नहीं। यही माया है, जिस माया को समझना असंभव है। और माया इतनी प्रबल है कि तुम सब बात जानते हो, तुम्हें ये भी पता है कि मुझे मरना है। बताओ पता है कि नहीं, मरना कि नहीं मरना, तुम पता है ना कि तुम्हें मरना है। 10-25 साल और रहोगे संसार में, मर जाओगे, चले जाओगे, राख बन के रह जाओ, ये शरीर तुम्हारा राख बन जाएगा, धुआं बन के उड़ोगे। पता है कि मरना है, तुमको सब पता है, कोई किसी का होता नहीं, तुमको ये भी पता है, तुमको ये पता है दुनिया झूठ है, परमात्मा सत्य है। तुम क्या नहीं जानते, तुम सब जानते हो, लेकिन माया इतनी कठिन है कि सब जान कर भी अनजान बन जाते हो। यही माया है। तुम्हें सब पता होता है फिर भी उसको भूल जाते हो। और जिस दिन माया में रहकर भी माया का पता चल जाए सब कि ये माया है, उसी दिन ईश्वर की प्रत्यक्ष कृपा कृपा का प्रमाण। मैंने आज कथा के प्रारंभ में कहा था साहब, हम वास्तविकता से जुड़ने का प्रयास करते हैं, वे नहीं चाहते। कथा तो मनोरंजन है ही नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ कथा में कि यहाँ वहां से आपको जो हमारा उद्देश्य मैंने आज का जैसे हम हैं वैसे आपको बताना चाहते, जो कथा में हम बताना चाहते हैं, बाबा पहले हमको प्राप्त हो, हम उसको अपने जीवन में धारण करें तब आपको बताएं। ने कहा था हमारा स्वभाव है साहब, हमें पता है पानी है, प्यास है, दरिया के किनारे खड़े हैं, पिया ही नहीं, ये कृपा है बस प्रभु की। यही तुम जानिए, तुम माया के पास में रहकर भी माया तुमको स्पर्श ना करे। तो ठीक है, धन है, संपत्ति है, कमाई है खूब आनंद से, लेकिन उसका मैंने आपको बताया था धन की गतियों के विषय में बताया था, उसका उपयोग कर लेना तो मानवता तो जान पाओगे। एक ऐसी कथा, फिर भी आपको धन चाहिए, आप चाहते हमारी गरीबी दूर हो जाए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दुख है गरीबी, यहां बहुत बड़ा दुख है साथ। अगर भगवान परिवार दे, बच्चे दे, तो इतना सामर्थ्य भी दे कि उनका पोषण, उनकी व्यवस्थाएं आप कर सको, नहीं तो गरीब जब व्यक्ति हो जाता है तो उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसकी समाज, उसकी कोई उसका नहीं होता। और फिर सत्य है प्रभु, अगर तुम किसी को ना दो तो ये दुनिया क्या देगी? कोई तुमको 2 दिन खिला देगा, कोई तुमको 4 दिन खिला देगा, अरे मोहल्ले वाले हफ्ते भर महीने भर काम चला देंगे, रिश्तेदार 6 महीने काम चला देंगे, फिर तो भोगना ही पड़ेगा ना। अगर तुम्हारी कृपा है तो एक ऐसा प्रसंग जिसको श्रवण करने से इसकी फलश्रुति है, निर्धनता जीवन से चली जाती, गरीबी हट जाती है। एक ऐसी कथा जिसे मित्रता के विषय में बताया गया है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए। या तो किसी से, मैं साहब कहता हूं, या तो किसी से प्रेम करिए मत, या तो किसी से मित्रता करिए मत, या तो किसी से मोहब्बत करिए मत, और अगर करते हो तो जब तक जीवन है तब तक तो टूटना नहीं चाहिए, उसके बाद कौन कहां जाएगा कोई पता नहीं। या तो किसी से जुड़िए मत, और जुड़ जाइए तो जब तक धरा पर हैं तब तक तो प्रयास करिए कि टूटना नहीं चाहिए, बाकी तो साहब मर के कौन किसको कहां जाना है कोई पता नहीं। देखो टूटना तो है ही, बिछो तो होना ही होना है, जिसका योग बना है वो वियोग जरूर बनेगा।
यहां नहीं बनेगा तो यहां से जाओगे, फिर बनेगा। लेकिन जब तक योग बला है तब तक तो कोशिश करिए कि उसका पूर्ण आनंद लीजिए। जैसे मैंने तुमसे कहा था, 7 दिन का समय मिला, कथा का मिला, तो छोड़िए खाना, छोड़िए धंधा, छोड़िए काम 7 दिन के लिए, बैठ कर आइए साहब, वो अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। बाद में जो होगा वो तो जाना ही, आज और कथा है, आज की रात जरा प्यार से बातें कल तेरा शहर हमें छोड़ जाना होगा, आज की रात जरा योग की बात है। लेकिन जब तक है तब तक तो है ना, हर मुलाकात ऐसे मिली है जिसमें आनंद हो हर समय, क्योंकि मुलाकात के बाद दोबारा मुलाकात का कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए किसी से मित्रता किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, जिसमें स्वार्थ नहीं त्याग की भावना हो। प्राप्ति नहीं, गोपियों ने क्या कहा था कल, हम ये नहीं चाहते, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, और प्रेम का अर्थ ये नहीं कि हमको वो मिल जाए या वो हमसे प्रेम करे, ये तो हमारा स्वार्थ होगा कि हम तुमसे प्रेम करते तुम हमसे करो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये तो स्वार्थ ही है ना कि तुम हमसे प्रेम करोगे तो ही करेंगे। अरे हमसे वो प्रेम करे ना करे, हम उससे प्रेम करेंगे, वो हमें मिले ना मिले हम उसमें पूर्ण समर्पित रहेंगे, हमारा प्रेम है, हमने किया है, हम उससे प्रेम करेंगे। प्रेम का ये नहीं कि वो हमसे करेगा, वो तो स्वार्थ बन जाएगा। हम ऐसा मित्रता कब पूर्ण होती है, इस मित्रता में ये भूखा नहीं होती कि तुम हमारे, ये भूखा होती कि हम तुम्हारे रहें। और जब तुम किसी के हृदय से बन जाते हो ना तो कोई अपने आप तुम्हारा बन जाता है, किसी को जबरदस्ती बनाया नहीं जाता कि भैया तुम हमारे बन जाओ, कि तुम हमसे मित्रता कर लो, कि तुम हमसे प्रेम कर लो, बनाया नहीं जाता, किसी के बना जाता है। जब तुम किसी के बन जाते हो तो अपने आप वो तुम्हारा बन जाता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, निस्वार्थ भाव से करते हो, तो साहब वो भी तुमसे प्रेम करेगा। जब तुम किसी को याद करते हो वो भी तुम्हें याद करेगा। तुम भगवान से प्रेम करते हो तो ये मत सोचना कि वो तुमसे नहीं करेगा, वो भी तुमसे प्रेम करेगा। लेकिन भाव निस्वार्थ होना चाहिए, त्याग भावना होनी चाहिए, ये नहीं कि स्वार्थ का प्रेम भी हो। सीता मैया ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान मैं राघव को याद करती हूँ, क्या प्रभु मुझे याद करते हैं, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठकर दिन रात आंसू बहाती हूँ, क्या प्रभु मुझे याद करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। हनुमान जी ने कहा था, माँ प्रभु तुमसे इतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम तुम करती हो, तो बोले इतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम तुम, तो मां सत कहूं तो तुम तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही हो, भगवान से पूछिए जंगल के वृक्ष वृक्ष को पकड़ पकड़ कर रो रहे हैं।